नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इंडिया के सबसे मशहूर रियलिटी शो या यूं कह लें क्विज शो की, जिसे होस्ट करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन। आज ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस शो के ऊपर एक परिवाद दायर हुआ है और इसमें कहा गया है कि ये शो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ राजमोहन है। राजमोहन, क्या मामला है, क्यों अमिताभ बच्चन के ऊपर जो है परिवाद दायर किया गया है? देखिए, सबसे पहले ये बताते हैं कि जो परिवाद दायर हुआ है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के जो सिविल कोर्ट है उसमें दायर किया गया है, वहां पर दायर किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि वहां जिन्होंने परिवाद दायर किया है उनका कहना है कि हिंदू धर्म का जो उसे उसके भावनाओं को आहत करने की इस क्विज ने कोशिश की है। मामला जो है वो 30 अक्टूबर का है। 30 अक्टूबर को जिस तरह से ये रियलिटी शो चलता था उसी तरह चलाया जा रहा था, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन ने एक सवाल किया था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ वो सवाल था। और सवाल के जो ऑप्शन थे उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। जो परिवाद दायर किया है उनका नाम मैं बता देता हूँ कि सिकंदरपुर के निवासी है आचार्य चंद्र किशोर पराशर। और ये सवाल क्या था? हाँ, इस सवाल पर भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अमिताभ बच्चन के साथ सहित 7 लोगों पर यह परिवाद दायर किया गया है, जिसमें नाम अमिताभ बच्चन का तो है ही। एक टीवी क्विज शो के निर्देशक अरुणेश कुमार, राहुल वर्मा टीवी चैनल के अध्यक्ष, मंजीत सिंह सीईओ सोनी टीवी के जी सीईओ एनपीसी, वो प्रतिभागी बेजवारा विल्सन समेत 7 को नामजद इसमें किया गया है। और यह भी बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवाद पर अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि भी तय कर दी गई है। 3 तारीख को जो है इस पे सुनवाई भी होगी। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। असल में उस दिन 30 अक्टूबर को जो शो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा था अमिताभ बच्चन ने कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की पर्चियां जलाई थी। ये सवाल था। इसके ऑप्शन जो 4 थे उसमें सबसे पहला था विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो ये इस सवाल में दिक्कत क्या है, क्योंकि ये घटना तो इतिहास से जुड़ी हुई है और ये मनुस्मृति तो जलाई ही गई थी, साथ में अभी भी उस घटना को लेकर के बहुत सारे जब दलित आंदोलन की बात होती है तो मनुस्मृति को जलाया गया था। हाल ही में भी जलाया गया था जब जेएनयू में खुद कन्हैया कुमार भी जो थे। देखिए, मनुस्मृति को जलाया गया था, लेकिन इसके साथ मैंने आपसे कहा कि इसके जो अन्य ऑप्शन वो सबसे ज्यादा जो है वो आपत्तिजनक लगते हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है वो काफी ज्यादा हिंदू धर्म में उसे ऊपर रखा जाता है, धर्म ग्रंथ का सबसे बड़ा है। और इस वजह से ऋग्वेद या विष्णु पुराण है तो ये हमेशा से ही ऊपर रहे हिंदू धर्म। जब कोर्ट में जाया जाता है तो गीता की ही कसम खाई जाती है। जी, तो हिंदू हमेशा गीता की ही कसम खाता है। इस वजह से ये मामला थोड़ा बनता भी है कि यहाँ आप जिस धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं उसकी प्रमुखता क्या है, उसको लोग कितना चाहते हैं। तो जाहिर बात है भगवत गीता है, एक विष्णु पुराण है जी, हाँ, और एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद का नाम है जो कि दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है, लिखा हुआ ग्रंथ है ऋग्वेद, और उसका ऑप्शन दिया गया है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं। हाँ, तो यही उनका कहना है, जो चंद्रकिशोर पराशर ने जिन्होंने परिवाद दायर किया उनका कहना है कि जानबूझकर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का प्रश्न पहले से ही सेट किया जाता है। और हमेशा ही जब भी इस तरह का क्विज होता है और धर्म से जुड़ा जब भी कोई सवाल होता है तो उसमें हिंदू धर्म को ही ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके पहले भी हम देख सकते हैं कि केबीसी में ऐसे कई मुद्दों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, परिवाद भी दायर हुए हैं और लगातार। हाँ, एक और रामायण से जुड़ा हुआ जो बात था जिसको लेकर के सोनाक्षी सिन्हा जब ट्रोल होने लगी थी रामायण में। हाँ, जो प्रसंग आया था कि उस सवाल वो नाम नहीं जानती थी, और बल्कि उनके भाई का वही नाम है लवकुश, राम और सीता के बेटे का नाम क्या था, तो वो खैर ट्रोलिंग का बात था कि जनरल नॉलेज की टेस्टिंग थी वहां पर। लेकिन ये जो मुद्दा है ये जनरल नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है, ये मुद्दा है कि आपने जो क्वेश्चन सेट किया उस क्वेश्चन के साथ जो आपने वहां पर रखा है ऑप्शन। आपत्ति क्या इसलिए जताई जा रही है क्योंकि केबीसी में जब हम देखते हैं तो कितने भी पुराने केबीसी के आप सवाल को उठाएंगे तो उसमें एकाध दो सेक्शन होता ही है धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ, और उसमें ये सवाल आते ही आते हैं, चाहे रामायण। मेरा मानना है कि जो सवाल है क्या ये मामला, ये जो मामला है ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी जो है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स से जुड़ा है क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और मामला देखिए, मेरा मानना है ना कि जो सवाल है वो धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ है
और खासकर हिंदू धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर बात है जब ऑप्शन आप रखेंगे तो यही रख सकते हैं, अन्य कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है कि आप रख पाएंगे। खासकर जब कंटेस्टेंट को आपको कंफ्यूज करना हो तो आप इसी तरह के ऑप्शन रखेंगे। हालांकि अब जिन्होंने परिवाद दायर किया है वो भी अपने जगह सही है, अपने तर्क हैं, और जो सवाल रखा गया है वो तो तर्क के आधार पर ही रखा जाएगा। तो देखिए आगे जब 3 दिसंबर को इस पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है। तो ये था पूरा मामला केबीसी से जुड़ा हुआ अमिताभ बच्चन पे। हालांकि आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बिहार का वो इलाका है जहां पर पूरे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं या बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर परिवाद दायर हो चुका है, और अमिताभ बच्चन पे शायद ये दूसरी बार ऐसा है कि परिवाद दायर हुआ है, और इस बार केबीसी को लेकर के परिवाद दायर हुआ है। केबीसी इसलिए बिहार में काफी लोकप्रिय है क्योंकि आपको पता होगा कि चंपारण से आते हैं सुशील कुमार, जो कि केबीसी से पहली बार करोड़ों जीतने वाले जो शख्स है। उसके बाद पटना से भी एक शख्स थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता था। तो ये केबीसी तो लोकप्रिय है ही बिहार में, लेकिन जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, और सबके अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करती है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है, ये तो जो 3 तारीख का समय निर्धारित किया गया है उस दिन पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि अमिताभ बच्चन पर बिहार में एक बार फिर से परिवाद दायर हुआ है और ये बड़ा मामला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।